ये भाई ने मेरे को बोला नहीं कभी इसको तो भाई इज्जत का सवाल है महीना का नंबर अच्छे आए तो रख ले महेश सर सर सीधा जाना है ना सर सीधी से आ जाओ सर चलो आज की आवाज़ और एकता मंच ने और क्लेरास कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने जो हमारे सर है अजय कॉल सर के नेतृत्व में ये जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र में सांगली सातारा कोल्हापुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बाढ़ आई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ 40 से 50 लोगों की मौत भी उसमें हो गई है और उन्हें मदद करने के लिए बाढ़ग्रस्त लोगों को मदद करने के लिए ये सारे लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है क्लेरास कॉलेज ऑफ कॉमर्स और उसके अंडर आने वाले सारे एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बच्चे इस इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एडुकेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई भी सिखाता है लेकिन इस प्रकार के सोशल इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करके एक अच्छी शिक्षा देने का काम ये अजय कौल जी के नेतृत्व में काम करने वाले सारे एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं और मुझे यह भी कहना होगा कि इनके जो इंस्टीट्यूट्स है वो लोगों को सिर्फ क्वालिफाइड नहीं करते हैं लेकिन इस प्रकार के इनिशिएटिव्स में भाग लेकर यहाँ के बच्चे एडुकेटेड भी बनते हैं। क्वालिफाइड और एजुकेटेड होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और यही नहीं अजय कौल जी ने हर काम में हर सोशल काम में वो एनवायरनमेंट का काम हो मेडिकल चेकअप का काम हो या बाढ़ राहत का काम हो फ्लड रिलीफ का काम हो या और कोई दूसरे नेचुरल डिजास्टर में मदद करने के लिए काम हो तो यहाँ की आज की आवाज़ एकता मंच क्लेरास कॉलेज ऑफ कॉमर्स अजय कौल जी के नेतृत्व में हर इनिशिएटिव को हर सोशल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करके एक अच्छे समाज को निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब एक अच्छा समाज निर्माण होता है तो एक अच्छे राष्ट्र की निर्मित होती है और अजय कौल जी एक अच्छे राष्ट्र की निर्मित के लिए एक भारतीय के रूप में अपना योगदान बड़ी अच्छी तरह से दे रहे हैं। मैं उन्हें और उनके साथ में काम करने वाले सारे NGOs और सारे एडुकेशन इंस्टीट्यूट्स के सारे टीचिंग स्टाफ को नॉन टीचिंग स्टाफ को और सारे स्टूडेंट्स को अपना अभिनंदन देता हूँ अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ और इनका ये जो काम है इसकी दखल महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसकी दखल ली है और उन्होंने भी मेरे मार्फत यहाँ पर उन्हें धन्यवाद भेजा है और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर आज शामिल होने आया हूँ। अजय सर आप क्या कहना चाहेंगे साइलेंट आज आपने देखा होगा कि इतनी सारी तादाद आज की रैली ये एक मकसद के साथ आयोजित की गई थी। मकसद ये था कि कैसे अपने भाइयों और बहनों तक मदद पहुंचाई जाए इसलिए आपने देखा होगा कि इस रैली में अलग अलग समाज के लोग
जब इंसानियत की बात आती है तो वहाँ पे धर्म जाति वगैरह देखी नहीं जाती है। आपने देखा होगा किस तरह से लोग इकट्ठा हुए और अपने अपने तरीके से उन्होंने योगदान दिया इस रैली में। सबसे पहले तो मुझे सभी रहीवासियों का धन्यवाद कहना है क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके आज के इस रैली को यशस्वी किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी तादाद में हमने सामान इकट्ठा किया, मुझे लगता है कम से कम 15 से 16 लाख रुपए का सामान हम लोग कोल्हापुर के लिए भेजेंगे, कम से कम 1,500 फैमिलीज के लिए। सर जानना चाहेंगे आपने जो सामान जमा किया है उनमें लोगों को से किस तरीके से मदद ले रहे हैं और किन किन चीज़ों की मदद ले रहे हैं? लोगों ने जैसे कपड़े भेजे हैं, ब्लैंकेट्स भेजी हैं, चद्दरें भेजी हैं, चावल, शक्कर, दाल, ऐसे खाने की भी बहुत सारे सामान हमारे पास आए हैं। तो इसको आज दो दिन हम लोग सॉर्ट आउट करके सोमवार को 5 बजे हम लोग ट्रक से यहाँ से रवाना करेंगे। पानी की बॉटल्स हैं, 5-5 लीटर की बॉटल्स हैं, एक एक फैमिली को हम लोग पूरा एक फैमिली पैक बना के कलेक्शन किया है, वो देना चाहते हैं। सर जानना चाहेंगे आगे यहाँ पे मदद ले ली, आपने क्षेत्र में मदद ले ली, बात करें तो मुंबई पूरे मुंबई क्षेत्र में लोग मदद के लिए आगे आना चाहिए, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? देखिए हर शुरुआत छोटे काम से होती है और आप देख रहे हैं कि ये पुलिस क्वार्टर्स है यहाँ की सोसाइटी, वहाँ के रहीवासियों ने पैसे इकट्ठे करके एकता मंच के लिए दिया है क्योंकि लोगों को एक विश्वास है कि जो पैसे या जो सामान वो दे रहे हैं वो सचमुच सही जगह पे पहुँचे। सर देखा जाए इस जो आपने यहाँ पे एक रैली निकाली थी मदद के लिए, देखा जाए इसमें सभी धर्म के लोग आपके बिना का एक साथ हो गए, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने आपको कहा कि जैसे मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लोग आपत्ति के वक्त पर, संकट के वक्त पर धर्म नहीं देखते हैं, इसीलिए मुंबई शहर की अपनी एक खासियत है कि जब जब कोई भी आपत्ति आती है मुंबई शहर के लोग एकजुट होकर सबकी मदद करते हैं। लातूर, कश्मीर, केरला की तरह आपके वॉलंटियर्स ही जाकर ये देंगे सब? हाँ जी, हमारे खुद वॉलंटियर्स जाएंगे, पहले दो दिन पहले जाएंगे, वो ऐसे इलाकों का मुआयना करेंगे जहाँ जहाँ तक मदद नहीं पहुँची है और दो दिन पहले सर्वे करके फिर उसके बाद यहाँ से गाड़ी निकलेगी और प्रत्यक्ष वॉलंटियर्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर ये कैंपेनिंग कहाँ-कहाँ और चलेगी? ये कैंपेनिंग कहाँ-कहाँ और चलेगी आगे? देखिए मैंने कहा पहले हमने अपने घर से शुरुआत की है और जहाँ जहाँ हमें लोगों का साथ मिलेगा हम लोग वहाँ वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। शुरुआत तो हमने अपने घर से की है और आगे जरूर हम लोग पहुँचेंगे। इस प्रकार की रैली हम लोग अलग अलग विभाग में रखने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? उसी तरीके से ये होगा? हाँ जी, उसी तरीके से होगा। सर ये बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम अजय सर की जितनी भी रैलीज और सोशल वर्क है उनके साथ में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि ये खुद पर्सनली और इनकी जो संस्था है एकता मंच, आज की आवाज़ वगैरह और इनकी स्कूल कॉलेज वगैरह, ये सब इतना बड़ा सोशल वर्क करते हैं यहाँ पे कि उनके कंपेयर में कोई बॉम्बे में मेरे ख्याल में इतना बड़ा सोशल वर्कर कोई है नहीं जिस हिसाब से ये करते हैं। और आज आप देखे होंगे इससे पहले भी पिछले 2 महीने में इतनी ट्री प्लांटेशन, इतनी रैलियाँ निकाली है, लोग दिल खोल के बाहर आते हैं और मदद करते हैं, इतनी क्राउड आपको किसी भी संस्था ने पूरे बॉम्बे में किसी ने भी नहीं की होगी। तो ये एक पर्सन है जो लीड करते हैं और उनकी पूरी टीम जो इनके साथ खड़ी रहती है और पूरा एरिया वर्सावा, यारी रोड, पूरी अंधेरी, वो हमेशा इनके साथ रहती है और आज भी जो सर ने टारगेट किया है वो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं और मैं उनके लिए उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको और उनकी पूरी टीम को। अजय कौल सर ने आज की आवाज़ और सीडब्ल्यूसी कॉलेज के माध्यम से जो एक वर्सावा गांव में रैली निकाली है, महाराष्ट्र में 6 जिलों में फ्लड की सिचुएशन है और बहुत ही भयंकर 6 जिलों में पानी की वजह से अफेक्टेड है और आज इस रैली को देख करके मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अजय सर जहाँ पर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल रहे थे, सब भाई भाई, ये आज आपको ये फैब्रिक यहाँ पर वर्सावा गाँव में अजय कौल सर के माध्यम से देखने को मिला है। इस रैली का कोई अंत मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, हर बच्चे, बूढ़े, हर गली के, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये सारी रसद, ये सारा कैश सर के वॉलंटियर कोल्हापुर और सांगली जिलों में ले जाकर खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये विश्वास
पूरे वर्सोवा गांव में सर के ऊपर जो है मैं सर इसके अभिनंदन के पात्र हैं। मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वर्सोवा के हर उस नागरिक ने जिन्होंने इस मुहिम में योगदान दिया है मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर से एक बात कहता हूं कि देश भर में कहीं भी कोई आपत्ति आती है तो अजय सर और मुंबई की जनता सबसे पहले न जात न पात न वर्ण न व्यवस्था कुछ नहीं देखती और उसके अंदर में सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद। ओके सर, ओके।